पहली बार जब बर्फबारी होती है तो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। वारिया सीन छु मुबारक या जो भी है, वो कहते हैं कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि इसकी अहमियत काफी है हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पीने के पानी के लिए। दिसंबर में स्नोफॉल इस साल कम हुआ था, जो भी डेफिसिट था उससे चलते काफी डिफिकल्टीज लग रही थी, इवन चिंता की बात थी। कल जो स्नोफॉल हुआ नाइट में और आज भी जो हो रहा है, इससे लगता है कि जो डेफिसिट था वो पूरा हो गया है, तो आने वाले दिनों में जो है वाटर की जो डिफिकल्टीज थी वो नहीं होगी। डेफिनेटली स्नोफॉल के चलते कुछ एक दुश्वारियां, इनकन्वीनियंसेस होते हैं, खास करके पावर, वाटर सप्लाई, रोड्स, कनेक्टिविटी, इस पर तो वो ठीक कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। कुलगाम में कुछ एक टावर ट्रांसमिशन के गिरने के चलते इसमें थोड़ी सी डिले हो जाएगी, लेकिन दूसरे सब एरिया में इवनिंग को जो है ऑलमोस्ट रूटीन तरीके से जो है पावर रहेगी। वाटर सप्लाई लाइन हार्डली कहीं अफेक्ट हुई है अभी तक। जो भी लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनके लिए हमारे पास पंप्स है, डीजी सेट्स है, मोबाइल डीजी सेट्स भी है, तो पानी की कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। जहां तक राशन की बात है, पेट्रोल डीजल एलपीजी की बात है, वो मुकम्मल अवेलेबल है। 40 म्यूनिसपालिटीज है, 40 म्यूनिसपालिटीज में तकरीबन 1020 किलोमीटर के करीब टोटल रोड लेंथ आती है म्यूनिसपालिटी के अंदर वाले, उसमें से तकरीबन 850 किलोमीटर जो है रिस्टोर हो गए थे 3 बजे तक, तो इवनिंग तक जो है विद इन म्यूनिसपालिटी सब रिस्टोर हो जाएंगे। जहां तक सब लेंस की बात है, जहां गाड़ी नहीं जा सकती है, नॉर्मली लोग वॉक करके ही करते थे, तो वहां भी जो है कंसर्न म्यूनिसपालिटी का स्टाफ मैनुअली उनको रिस्टोर कर रहा है। देहातों की बात जो है वो पीएमजीएसवाई के रोड्स आते हैं, तकरीबन 6-7 हजार किलोमीटर टोटल उनकी लेंथ है, उन पर भी रिस्टोरेशन चल रहा है। पहले मेजर रोड्स हो जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर तहसील की कनेक्टिविटी, और उसके बाद जो विलेजेस। डेफिनेटली जो है प्रयास कर रहे हैं। जहां तक एसेंशियल फीडर की बात है, एसेंशियल फीडर्स को हम देख रहे हैं कि वानपुर से या शुपिया से कहीं से उनको सप्लाई दे दें।